नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जमशेदपुर की ओर से मतदाता जागरूकता बाइक रैली निकाली गई, जो 10 किलोमीटर तक की रही। बिस्टपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के समीप से शुरू होकर बिस्टपुर साक्षी गुरमुरी टिन प्लेट बरमाई चुकसलाई होते हुए पुनः बिस्टपुर में आकर सम्पन्न हुई। इस मौके पर अध्यक्ष विजय आनंद मुनक्का ने कहा कि इंडस्ट्री लगातार चुनाव को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही है। इसमें व्यवसाय वर्ग के अलावा आम लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। उन्होंने आशा जताया कि इस वर्ष के चुनाव में अन्य वर्ष के चुनाव के मुकाबले ज्यादा लोग मतदान करेंगे, जो झारखण्ड में पहला स्थान प्राप्त करेगा। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विगत एक माह से आगामी लोकसभा चुनाव, जो कि अगले शनिवार 25 तारीख को जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में होना है, उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और हम लोग विभिन्न तरह के आयोजनों एक महीने से कर रहे हैं, ताकि शहरी क्षेत्र के जो लोग, जिनका ऐसा देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में मतदान कम होता है, तो मतदाता जागरूकता अभियान में के अंतर्गत हम लोगों के शहर के सभी व्यापारी, उद्यमी, फर्स्ट टाइम वोटर्स और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, सभी से निवेदन है कि वो मतदान अवश्य करें। इसी तरीके से हम लोग आज ये एक बृहद रूप में कार एवं बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो कि जमशेदपुर के लगभग सभी बड़े क्षेत्रों में भ्रमण कर करके चेंबर भवन में समाप्त होगी। और इससे हम लोग मतदाता जागरूकता अभियान का संदेश देंगे। हम लोगों ने 2-3 बार यहाँ पे शपथ कार्यक्रम भी किया है, जिसमें मतदाताओं ने शपथ लिया है कि वो अवश्य मतदान करेंगे। हम लोगों का सभी से अनुरोध है और व्यापारी समुदाय इस बार, पिछले बार, हर बार की तुलना में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करेंगे, ऐसा व्यापारियों ने अपने मन में जचा लिया है। और हमें विश्वास है कि जमशेदपुर का मतदान पूरे झारखंड में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। क्या रूट है, कितने किलोमीटर का? करीब करीब 10 किलोमीटर का रूट है। हम लोगों ने जिला प्रशासन को रूट सौंप करके जिला प्रशासन से अनुमति ले ली है। बिस्टुपुर, साक्षी, गोलमुरी होते हुए वापस चेंबर भवन में आकर के समाप्त होगा। Thank you.